नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और बढ़ते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की तरफ। आज फिर बरसेंगे बादल, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा समेत कई हिस्सों में होगी भारी बारिश, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत देश के दूसरे इलाकों में भी रविवार को भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी ओडिशा तट से दूसरे पश्चिम मध्य और उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना रहा है। इससे आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा के साथ पश्चिमी बंगाल और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में विभाग ने यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी जारी की। पुरुष को समान वेतन, 4 दिन ड्यूटी, 3 दिन छुट्टी, पीएफ ज्यादा इन हैंड सैलरी का। देश में नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है। जी हां, सरकार नौकरी पेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में बदलाव के लिए नए नियमों को लागू करने की तैयारियों में है। हालांकि नए लेबर कोड को देश में कब से लागू किया जाएगा इस पर अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि इसे लागू जरूर किया जाएगा। इस कोड के लागू होने के बाद साप्ताहिक छुट्टी से लेकर नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी में कांपी धरती, 7.7 तीव्रता के भूकंप से बड़ी तबाही की आशंका। रविवार को पपुआ न्यू गिनी के साथ साथ इंडोनेशिया दोनों जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर दोनों की तीव्रता अलग अलग थी। पपुआ न्यू गिनी में आए तूफान की तीव्रता 7.7 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। यहां कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 17 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड मामले में जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार ने दोषी अफसरों पर बड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। दरअसल शासन को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में 6 विभागों में 19 अफसरों को सीधे जिम्मेदार माना गया है। अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन अधिकारियों को लेवाना होटल अग्निकांड के लिए दोषी माना गया है। बोलना बंद करता तो मैं भी बन जाता उपराष्ट्रपति, सत्यपाल मलिक का दावा, केंद्र से थे इशारे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए दिखे। उन्होंने कहा है कि उन्हें संकेत दिया गया था कि अगर वो केंद्र के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे तो उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। जी हाँ, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर मलिक ने कहा है कि धनखड़ उम्मीदवार थे, बनना चाहते थे और उन्होंने कहा था, मेरा कहना है कि इसमें ठीक नहीं है, लेकिन मुझे इशारे थे पहले से ही, आप नहीं बोलोगे तो आपको उपराष्ट्रपति बना देंगे। आपको बता दें, बड़ा दावा मेघालय के राज्यपाल यानी कि सत्यपाल मलिक द्वारा किया गया। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।